अब इसमें जो दूसरी जो चीज है, एक तो मस्जिदें बंद है, नमाज का जो मामूल है तो लोग अभी भी चाहते हैं कि वो जमात से नमाज हो, मस्जिदें बंद है तो घर में पढ़ना है, तो ऐसे उसमें एक्सेप्शंस में हमें ये एक्सेप्शंस माना जाएगा कि आप घर में अगर अकेले हैं, अगर अगर आपके बाजू भी कोई दो मतलब मुस्लिम रह रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ आप उनके घर में जाने के बदले, मतलब कंबाइंड पढ़ने के बदले, क्या आप घर में पढ़ सकते हैं अपनी नमाज अकेले अगर आप घर में अकेले रहते हैं? देखिए, इस मामले में यही है कि ये हर एरिया के लिए अलग बात होगी। रीजन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ डिसीज, जिसको बोलेंगे ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसकी अलग अलग है। तो अगर कहीं ऐसा लगता है कि आप एक घर में रहते हैं और कोई इशू नहीं है साथ रहने में, ऊपर नीचे या एक अपार्टमेंट में, और सारे लोग अपने आप को बाहर के माहौल से दूर रखे हुए और सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, तो आप साथ पढ़ ले। कहीं लगता है कि नहीं, वो एक घर अलग है, मतलब यूनिट अलग है, और वो लोग हो सकता है प्रिवेंशन ना ले, प्रिकॉशंस ना ले, ठीक है, तो हो सकता है हेल्थ को आपके नुकसान हो। तो ये डिपेंड है। तो अगर ऐसा लगता है कि बाजू वाला उतनी एहतियात नहीं कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा मसला है आजकल, हम किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बहुत सारी बार तो हमने इंडिया में देखा कि बहुत सारे लोग जो सेलिब्रिटी थे और उन्हें समझा उनको ये डिसीज वो नहीं हो सकता, वो पता नहीं वो खुद उनकी वजह से कितने लोगों को ये चीज हो गई। जी तो जी बेटर पार्ट ये है कि हम एक दूसरे के साथ अवॉइड करें, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। सही घर है। में पढ़ ले अपना, अजर आपको अल्लाह ताला जमात की नमाज कर देगा, जो कि आपकी नीयत जमात से पढ़ने की थी, मजबूरन आप ऐसा पढ़ रहे हैं। अब उसमें मतलब इस्लाम को अपने ऊपर टफ ना करें, ये मुझे मतलब जो छोटी समझ है उसमें ये लगता है कि इस्लाम को अपने ऊपर मुश्किल ना करें। आपको अगर वो छूट मिली है, एक एक्सेप्शन है, तो आप अपनी अपनी नमाज पढ़ लें। बिल्कुल, ये छूट ऑलरेडी इस्लाम ने दी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यहाँ तक है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाया, लेकिन उनको वो तकलीफ हुई जो हमें हुई, वो वहां से गुजरे जहां से हम गुजरे। तो सहाबा ने कहा, ये कौन लोग है जो यहाँ साथ नहीं है लेकिन उनको सारी तकलीफें पहुंची, जहां से हम गुजरे वहां से वो गुजरे, सब हुआ। तो कहा, मदीने में ये वो लोग है जो मेरे साथ सफर करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से, सवारी की कमी से, बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से नहीं आ सके। तो अल्लाह ताला अजर में उनको भी शामिल रख रहा है। तो अगर आपकी अजर थी, मतलब नीयत थी कि आप नमाज मस्जिद में पढ़े, ये बीमारी फैल गई, इसके साथ घर में पढ़े, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको नीयत के मुताबिक आपको बाजमात नमाज का ही सवाब देगा। तो अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन नमाज मस्जिद में पढ़कर, जमात बनाकर, लोगों को जमा करके ना ले। प्रिकॉशन ये है कि आप एक दूसरे से दूर रहे तो ये इंशाल्लाह बेटर है, और कुछ दिन का ही, बाद में इंशाल्लाह मसला है।